हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे बेल्जियम वर्सेस स्लोवाकिया इन यूरो 2024। सो दोस्तों, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रुप्स इन द टूर्नामेंट, बेल्जियम और स्लोवाकिया। यहाँ पे यू ऑल्सो हैव रोमेनिया एंड यूक्रेन। सो आई थिंक देर इज़ कॉमन कंसेंसस कि बेल्जियम शुड बी फेवरेट टू टॉप द ग्रुप। दे हैव प्लेयर्स लाइक केविन डी ब्रुइना, रोमेलु लुकाकू, जेरेमी डोकू, लियांड्रो ट्रॉसार्ड। और अगर आप बाकी टीम्स की बात करें तो मुझे लगता है देर विल बी अ बैटल फॉर सेकंड पोजीशन। आई स्टिल फील कि यूक्रेन इज़ द वन जो मेरे को लगता है सेकंड फिनिश कर सकती है। बट अगर स्लोवाकिया लेट से थर्ड प्लेस लेती है और क्वालिफाई करती है इनटू द नेक्स्ट राउंड, आई वोंट बी वेरी वेरी सरप्राइज विद रोमेनिया फिनिशिंग फोर्थ। स्लोवाकिया आर अ गुड टीम, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके जो हम बात करेंगे दे आर वेरी वेरी इंप्रेसिव, सम ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं। बट मुझे लगता है बेल्जियम शुड बी कम्पिटिटिव इनफ एंड कम्फर्टेबल इनफ इन दिस मैच, एंड आई थिंक आई विल गो फॉर समथिंग लाइक अ 3-1 बेल्जियम विन इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो दोस्तों, पहले बात करते हैं अबाउट कुछ वेरी वेरी क्विकली अबाउट द ब्रीफ स्टैट्स ऑफ बोथ दीज टीम्स। शुरू करेंगे विद बेल्जियम इन द यूरो क्वालिफिकेशन कैंपेन। गोल्स में आप देख सकते हैं कि रोमेलु लुकाकू वॉज द टॉप स्कोरर बाय फार विद 14 गोल्स, एंड मुझे लगता है कि ही इज़ द स्टैंड आउट प्लेयर अगर आप कैप्टनसी की बात करें, वाइस कैप्टनसी की बात करें। अगर आपको लगता है बहुत गोल्स पड़ेंगे देन लुकाकू इज़ द कैप्टन टू गो फॉर। ट्रॉसार्ड, लुका बाकियो आर दी अदर प्लेयर जो आपको गोल दे सकते हैं। असिस्ट की बात करें, यू हैव जेरेमी डोकू जो 4 असिस्ट के साथ नंबर 1 पे है। केविन डी ब्रुइना ने ऑब्वियसली बहुत मेजर चंक ऑफ क्वालिफिकेशन मिस किया था इंजरी की वजह से, सो आपको बहुत ज़्यादा स्टैट्स में, इनफैक्ट किसी भी स्टैट में वो नहीं दिखेंगे। हमें पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है केविन डी ब्रुइना, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप XG प्लस XA की बात करेंगे, लुकाकू इज़ 1 विद बाकायोको 2nd एंड डोकू 3rd। शॉट्स में देर इज़ ऑब्वियसली नो वन इवन क्लोज टू लुकाकू। फिर आते हैं करास्को एंड डोकू एंड ट्रॉसार्ड। चांसेस क्रिएटेड में करास्को इज़ नंबर 1, बट दैट इज़ बिकॉज वो सारे सेट पीसेज ले रहे थे इन दी एबसेंस ऑफ केविन डी ब्रुइना। अब डी ब्रुइना काफ़ी ऊपर आ जाएंगे विद जेरेमी डोकू एंड ट्रॉसार्ड आर ऑल्सो देयर। पासेज में इट इज़ इंटरेस्टिंग, वाउट फायस वटोंगन दोनों सेंटर बैक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नंबर 1 विद यू डिटेलमेंट इज नंबर 3। टैकल इंटरसेप्शन वाइज इनके जो फुल बैक हैं टिमोथी कस्टाग्ने इज नंबर 1, इनफैक्ट काफ़ी आगे नंबर 1 है विथ थियाटे एंड फाइस मंगाला टू फॉलो। बेल्जियम के लिए दोस्तों पेनल्टीज पे होंगे लुकाकू और सेट पीसेस पे होंगे केविन डी ब्रुइना। अगर बात करें हम स्लोवाकिया की, उनके टॉप गोल स्कोरर थे लूकस हरासलिन, उसके बाद हैंको जो बहुत ही सॉलिड, बहुत इंप्रेसिव सीज़न रहा है उनका इन द डच एरेडिवीज़ है। 100% आई थिंक रेकमेंड करूंगा फॉर फायरनोड। कुचका इज़ ऑल्सो देयर इन नंबर 2nd पोजीशन विद डूरा एंड रॉबर्ट मार्क इज़ नॉट इन द स्क्वाड। असिस्ट की बात करें तो हैंको इज़ नंबर 1 वंस अगेन। बहुत ही बढ़िया लेफ्ट बैक है दोस्तों, ही समवन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है इन द स्लोवाकिया टीम इन द यूरो क्वालिफायर्स। का डूडा आते हैं विद नंबर 2 एंड बीन्स विद इज देयर एज वेल। एक्सजी प्लस एक्सए की बात करें, लुकस हरासलिन इज देयर अलोंग साइड पॉलीएफ का एंड सुसलॉव। शॉट्स की बात करें, सो कुचका इज नंबर 1 विद 21, फिर आते हैं सुसलॉव और फिर आते हैं पॉलीएफ का वंस अगेन। चांसेस क्रिएटेड में डाविड हैंको इज नंबर 1, फिर आते हैं कुचका एंड डूडा। पासिस कंप्लीटेड में यू हैव मिलान स्क्रीनियार एंड ग्योम्बर। मिलान स्क्रीनियार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली इस स्लोवाकिया टीम के, बिकॉज ही समवन जो काफी एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स, फॉर्मर इंटर प्लेयर, करंटली पीएसजी में खेलते हैं। टैकल इंटरसेप्शन वाइज हैंको वंस अगेन इज देयर, सो आप देख सकते हैं हैंको इज दोस्तों एवरीवेयर। कुचका एंड लोबोटका ऑफकोर्स ऑफ नेपोली इज ऑल्सो देयर एज वेल। ब्रीफली दोस्तों ग्लांस करते हैं दोनों टीम्स की प्रॉबेबल लाइनअप्स पे। पहले शुरू करेंगे विद बेल्जियम। दे विल सेट अप इन अ 3-4-1-2 सिस्टम विद कैस्टिल्स एज द गोलकीपर। वाउट फायस होंगे इनके राइट सेंटर बैक, खेलते हैं लेस्टर सिटी के लिए। डेबास्ट खेलेंगे मोस्ट लाइकली एज द सेंटर बैक, ऑल्दो टीलेमंस भी फिल इन कर सकते हैं एज अ सेंटर बैक इन दिस मैच। एंड डे स्यूपर इज समवन जो क्लब ब्रुगा में खेलते हैं इन बेल्जियम। ही हैड अ वेरी वेरी इंप्रेसिव कैंपेन, ओरिजिनली एक लेफ्ट बैक हैं, काफी इंप्रेसिव ऑप्शन हो सकते हैं इन दिस सॉर्ट ऑफ अ टीम एज वेल। अगर आप देखेंगे विंग बैक्स में होंगे डोकू ऑन द लेफ्ट, टिमोथी कस्टाग्ने ऑन द राइट, सो कस्टाग्ने को थोड़ा अटैकिंग फ्रीडम मिलेगा इन दिस मैच। ओनाना, आमाडू ओनाना ऑफ एवर्टन खेलेंगे इन अ इंटरेस्टिंग नंबर 8 रोल, क्योंकि मंगला इस संबंध जो ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन करते हैं, तो ओनाना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पंट पिक होंगे। और डेफिनेटली ओनाना इस संबंध जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे जाएंगे एज कम्पेयर टू मंगला जो थोड़े डीप ड्रॉप करेंगे। केविन डी ब्रुइना विल बी इन द नंबर 10 पोजीशन विद लुकाकू एंड आर्सेनल्स लियांड्रो ट्रॉसार्ड, हु वाज वेरी वेरी गुड लास्ट सीजन एज द सपोर्टिंग स्ट्राइकर। स्लोवाकिया की बात करते हैं, दे विल सेट अप इन अ 4-3-3 सिस्टम विद डुब्रावका एज द गोलकीपर। 4-3-3 बोल लीजिए या 4-5-1 बोल लीजिए, बिकॉज थोड़ा डिफेंसिवली सेटअप होंगे। पेकारिक होंगे इनके राइट बैक। डुब्रावका इज अ वेरी एक्सपीरियंस कीपर बाय द वे, सो ही इस संबंध जिन्होंने न्यूकासल के लिए ऑलमोस्ट मोर देन हाफ द कैंपेन खेला था और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं स्लोवाकिया टीम के लिए, अ ब्रिलियंट गोलकीपर।
पेकारिक होंगे राइट बैक, डेविड हैंको मेरे ख्याल से इस इनके बारे में बात हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एज द लेफ्ट बैक, ग्योम्बर और वावरो में से खेलेंगे एक सेंटर बैक अलॉन्ग साइड मिलान स्क्रीनियर ऑफ पीएसजी। मिडफील्ड में यू हैव थ्री ब्रिलियंट ऑप्शंस दोस्तों, मेरे को तीनों पसंद है, अगर मेरे पास स्पेस होती अपनी टीम में तीनों को लेता। स्टानिस्लाव लोबोटका जो खेलते हैं नेपोली में, सबसे डीपेस्ट लाइन मिडफील्डर होंगे, 90 मिनट्स खेलेंगे, टैकल इंटरसेप्शन देंगे एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस भी कंप्लीट करेंगे फॉर द स्लोवाकिया टीम। कुचका इज द वन जो सबसे ज्यादा अटैकिंग होते हैं, ही समवन जो काफी शॉट्स लेते हैं और चांसेस भी काफी क्रिएट करते हैं। सो अगर इन तीनों में से गोल थ्रेट आता है दोस्तों ओपन प्लेस से तो वो कुचका के थ्रू आ सकता है। डूडा इज समवन जो पेनल्टीज पे मोस्ट लाइकली होने चाहिए आई वुड से फॉर दिस स्लोवाकिया टीम। रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, सेट पीसेस भी काफी शेयर कर रहे हैं ये, बट ही स्टिल समवन मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आई वुड से कि मेन चीफ क्रिएटर है इस स्लोवाकिया टीम के। तीनों मिडफील्डर्स आर वेरी वेरी रिलायबल दोस्तों इस स्लोवाकिया टीम में। आगे आई थिंक थोड़े आप पंट्स हो जाते हैं, रॉबर्ट बॉस्निक इज द मेन स्ट्राइकर, श्रांस होंगे ऑन द राइट एंड हारास्टलेन जो इनके जॉइंट टॉप स्कोरर हैं, ही कुड बी एन इंटरेस्टिंग पंट आपकी टीम के लिए इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। तो बात करते हैं दोस्तों टीम की, इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फैंटेसी स्काउट 11 पे जरूर फॉलो करेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट एज वेल, यहां पे आपको मिलेगी अपडेटेड कॉम्बिनेशन फॉर ऑल फुटबॉल मैचेस, यूरोस, कोपा एंड अदर मैचेस एज वेल। मेक श्योर फॉलो करिएगा फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दिस इज द बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग फॉर। पहले स्टार्ट करते हैं विद द गोलकीपर डुब्राफका, इनको मैंने पिक किया है। डिफेंस में बात करें सो हैंको मेरे ख्याल से मस्ट हैव है, वाउट फाइस मेरे को लगता है वन ऑफ द हाईएस्ट पासिस कंप्लीशन हो सकता है इनका एंड ऑब्वियसली अ डिसेंट चांस ऑफ अ बेल्जियम क्लीन शीट एज वेल। बेल्जियम के डिफेंस को मैं कभी बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा बट आई थिंक एक डिसेंट चांस है क्लीन शीट का। कास्टाग्ने को मैं पिक करूंगा बिकॉज ये एक डिफेंडर लिस्टेड है और एक एडवांस राइट विंग बैक रोल में खेलेंगे सो आपको अटैकिंग रिटर्न्स भी दे सकते हैं। एंड मैंने पॉइंट लिया है दोस्तों मैक्सिम डेस्यूपर पे, ही संबंध जो वंस अगेन क्लब ब्रुआ के लिए ही हैड अ वेरी वेरी गुड कैंपेन, काफी अच्छे अटैकिंग फुल बैक हैं, ऑल्दो यहां पे एक लेफ्ट सेंटर बैक रोल में खेलेंगे बट ही संबंध जो आपको काफी अच्छे डिफेंसिव और ऑफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं प्लस क्लीन शीट पोटेंशियल एंड पासिंग पॉइंट्स एज वेल। उसके अलावा मिडफील्ड में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिक किया है कुचका को अलॉन्ग साइड डोकू एंड डिब्रॉयना। आई थिंक ये तीनों प्लेयर मैं बोलूंगा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैच। डिब्रॉयना के बारे में ऑब्वियसली मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कुचका को मैंने पिक किया है। मेरे ख्याल से अगर मिडफील्ड से स्लोवाकिया के लिए कोई गोल मारेगा तो कुचका इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, बहुत शॉट्स लेते हैं, चांसेस क्रिएट भी करते हैं। और डोकू को मैंने पिक किया है ऑन हिज डे, हमें पता है जर्मी डोकू कैन डिस्ट्रॉय एनी अपोजिशन, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्हें अपनी टीम में ड्रॉप करिए, 100% पिक करिएगा। अटैक की बात करें ट्रॉसार्ड एंड लुकाकू बोथ आर इन द टीम एज वेल, दोनों को मैं रेकमेंड करूंगा बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोस्तों जो आई थिंक बेल्जियम के आपकी टीम में होने चाहिए एंड ट्रॉसार्ड और लुकाकू के बिना जाना आई थिंक नीडलेस रिस्क होगा आपके लिए इन दिस मैच। यहां पे मैंने एक दो पॉइंट लिए हैं, एक मैंने लिया है हारास्टलेन, ये मुझे लगता है इनके एक स्ट्राइकर हैं जो आपको काफी अच्छे यू कैन से डिसेंट बेस पॉइंट्स भी दे सकते हैं बिकॉज ये डिसेंट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करते हैं, काफी शॉट्स लेते हैं। डोंट फॉरगेट कि इनके टॉप स्कोरर थे इन द यूरो क्वालिफिकेशन कैंपेन। आई नो बेल्जियम इज अ गुड टीम बट उनका डिफेंस डज नॉट फिल मी विथ टू मच कॉन्फिडेंस, सो हारास्टलेन ओवर डूडा को मैंने पिक किया है जो एक रिस्क है। वंस अगेन लेट मी री एम्फेसाइज दोस्तों कि अगर आपको सेफ जाना है तो आप डूडा ले सकते हैं बिकॉज डूडा विल बी ऑन पेनल्टीज ऑल्सो फॉर दिस स्लोवाकिया टीम। डूडाज ऑल्सो संबंध जो कुछ सेट पीसेस भी शेयर करते हैं सो आई थिंक उनके बिना जाना थोड़ा सा आई थिंक रिस्की हो सकता है बट क्योंकि हैंको और कुचका मुझे अपनी टीम में चाहिए थे इसलिए मैंने हारास्टलेन के लिए थोड़ा सा पंट लिया है, सेफर इज ऑब्वियसली डूडा फॉर श्योर। उसके अलावा दोस्तों आई थिंक मैंने थोड़ा सा सीवीसी पे पंट लिया है, ऑल्दो आप देख सकते हैं केविन डिब्रॉयना इज द मोस्ट कैप्टेंड करंटली ऑन ड्रीम 11 बट रोमेलु लुकाकू के जो गोल स्कोरिंग नंबर्स हैं दे आर फिनोमिनल दोस्तों इन द क्वालिफिकेशन कैंपेन, 14 गोल मारे हैं उन्होंने एंड 100% मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर इन दिस मैच। और हमें पता है दोस्तों लुकाकू इज ईजिली समवन जो इस मैच में 2 गोल स्कोर कर सकते हैं, बहुत ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हैं बट फ्लैट ट्रैक बुली है, स्लोवाकिया आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, दे आर अ प्रॉप मिड यू कैन से अ मीडियम लेवल टीम जो मुझे लगता है इस ग्रुप में थर्ड आ सकती है, सो लुकाकू आई थिंक आई वुड से कि इज द सेफर वन टू गो फॉर। बट केविन डिब्रॉयना को मैंने कैप्टन किया है बिकॉज ही सो रिलायबल, अगर एक असिस्ट भी देते हैं दोस्तों इतके इतने चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल भी स्कोर कर सकते हैं, ही इज केविन डिब्रॉयना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उनको कैप्टन किया है, लुकाकू वाइस कैप्टन किया है। एंड लाइनअप आने के बाद मैं थोड़ा और सोच विचार करूंगा,
आई माइट रिवर्स वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी, आई माइट गो फॉर समवन लाइक लोबोटका इन प्लेस ऑफ हरा असलियन जो आपको डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे, आई माइट गो फॉर लेट्स से एन एडिशनल बेल्जियम डिफेंडर, लाइनअप देखनी पड़ेगी दोस्तों, या फिर डूडा ले सकता हूँ। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करेगा, फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेगा फैंटेसी स्काउट 11 को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। Cheers, guys.